अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मस्त वाली रे, मस्त वाली। हमने गोली निकाल दी है लेकिन गोली हार्ट के नजदीक है, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। टूटी फूटी जिंदगी का एकमात्र सहारा हमारा बच्चा बेहाल है डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे को बचा लो डॉक्टर साहब। आप हिम्मत रखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बिहान की जान खतरे में है, हमें बिहान को मिलने जाना होगा। ठाकुर साहब, जिन लोगों ने आपकी इज्जत की जरा भी फिक्र नहीं की, आपको उनकी फिक्र क्यों? बहू, जो होना था सो हो गया और बिहान अब इस घर का दामाद है। अगर हम ऐसे मौके पे नहीं जाएंगे तो ये गांव वाले जबरदस्ती की बातें बनाएंगे ना। माँ जी, आप ठीक कह रही हैं, पर आप जानती ना सुलक्षणा को, उसकी जुबान कैची से भी ज्यादा तेज है और मैं नहीं चाहती कि अब ठाकुर जी की कोई भी बेइज्जती करे। इसीलिए कोई अगर जाएगा तो मैं जाऊंगी, अगर कुछ सहना होगा तो मैं सहूंगी, पर अपने पति की बेइज्जती किसी हालत में नहीं होने दूंगी। ठीक है राजकुमारी जी, आप ही जाइए मिलने। आपकी ये चिंता देखकर तो मुझे चिंता होने लगी है, क्योंकि मौली की ससुराल वालों के लिए जब तक आपके दिल में रत्ती भर भी जगह है, मैं चैन से कैसे बैठ सकती हूं। देखिए, पैसों की कोई बात नहीं है, हम अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकते थे हमने किया, अब आगे सब ऊपर वाले की मर्जी। दुआ कीजिए आप। भगवान को भी मनाना पड़ेगा ना, तो आप बनाएंगे, अब तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे बिहार।
भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। भोलेनाथ आज हम समझ गए कि बिहार से हमसे नाराज है, गुस्सा नहीं है, वो आज भी हमारी उन्हें फिक्र करते हैं। उन्होंने मैंने स्वीकार ना किया, पर वो भी हमें अपनी पत्नी मानते हैं। बिहार पहले सिर्फ हमारे दोस्त थे, पर अब वो हमारी जिंदगी है। और बोले ना, अगर बिहार को कुछ हुआ ना तो हम यही आपके सामने अपनी जान ले लेंगे। अगर आपको आपको किसी की जान लेनी है तो आप हमारी जान ले लीजिए, तो प्लीज बिहार को बचा लीजिए। भोलेनाथ बिहार को बचा लीजिए, प्लीज भोलेनाथ, प्लीज। सिस्टर इंजेक्शन हरी अप। नहीं रुकेंगे, आपको बोले तार का वास्ता, कहे कि आज बात
हमारे पति की जिंदगी की है। कल बिल्कुल मरते मरते बचा है ये लड़का। बिहान बिहान बेटा, ना मुंह देख के ना जान में जान आ गई। ये तो लग रहा था कि पीपल के पत्ते की तरह मन कांप रहा था, कि तुम्हें देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, मौली कहाँ है? वो ठीक तो है। जा रहे जमाना, माँ मरे बेटा के लिए और बेटा बेटा मरे जोरू को। बेहान, बेटा मौली बिल्कुल ठीक है, वो तुम्हारी सलामती के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करने मंदिर गई है। बेटा वैसे तुम्हारी जान बचाने में उस लड़की का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो तुम्हें यहाँ सही समय पर ना लाती तो ना दवा काम करती ना दुआ। आराम करो। मौली बेटा, भोलेनाथ ने तुम्हारी सुन ली, तुम्हारे पति को होश आ गया है। भोलेनाथ, कोई सुने या ना सुने,
पर आप जरूर सुनेंगे। और देखिएगा भोलेनाथ, हम बिहार से वो 5 मिनट भी लेकर ही रहेंगे, उनके सामने अपनी बात रखेंगे और उनकी नाराजगी भी दूर कर देंगे। ठाकुर साहब ने भेजा मुझे ये देखने के लिए कि गोली सच में लगी है या फिर झूठ मूठ के अफवाह फैलाई है लोगों ने। भाभी जी, अगर आप बिहान की हालत नहीं पूछ सकती तो कम से कम ऐसा कुछ तो मत बोलिए ना जिससे हम सबको तकलीफ हो। आप एक काम करिए ना, आप बिहान के पास रहिए, छुटकी मलकाइन से बात करके आते हैं बाहर। होश में आते ही सबसे पहले मौली के बारे में पूछा है तुम्हारे बेटे ने, कहीं ऐसा तो नहीं कि नफरत की जगह प्यार धड़कने लगा हो उसके दिल में। छोटी मलकाई, आप हमारे बेटे की चिंता ना हम पर छोड़ दीजिए। समधन जी, कैसे छोड़ दे, नगद पैसे दिए हैं, अगर मेरा काम नहीं हुआ, मौली इस गांव से बाहर नहीं हुई तो सूद समेत सब वसूल करूंगी। मन्नतें मान लो, मैं ना तुम्हें टिकने दूंगी और ना तुम्हारे रिश्ते को। छोटी माँ, वो रिश्ता है क्या जो किसी के तोड़ने से टूट जाए? हमें आपकी परवाह नहीं है, काहे कि हमें खुद पर और बिहान पर पूरा भरोसा है। माँ जी, प्लीज हमें हमारे पति से मिलने जाने दीजिए। क्या पति पति लगा रखा है? हाँ, जबरदस्ती की शादी है ये। पर माँ जी, शादी तो हो गई है ना, पर इसे हम 7 जन्मों तक निभाएंगे। सुलक्षणा, मैं तुम्हें मेरी बेटी पर जुल्म नहीं करने दूंगा। मौली, बेटा जाओ,
जाओ मिल लो अपने पति को। आपको बाबूजी। देवर जी आप आराम कीजिए और कोनो चीज की जरूरत हो ना तो आवाज दीजिएगा, हम लोग बाहर ही हैं। भोलेनाथ का प्रसाद लाए आपके लिए। गोली तो हमारे लिए चली थी ना, तुम कहाँ आए बीच में? मौली, बचपन से तुमको संभाला, ऐसे कैसे तुम्हें कुछ होने दे सकता हूँ?